मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रियों के बीच अक्सर मारपीट की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन किसी को जान से मारने की घटना शायद पहली बार हुई है, वो भी मामूली विवाद पर। 65 साल के बुजुर्ग बबन हांडे को लोकल ट्रेन के एक लगेज डिब्बे में एक सरफिरे ने बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला ठाणे के टिटवाला स्टेशन से मुंबई जा रही एक लोकल ट्रेन में झगड़े के बाद सहयात्री द्वारा कथित तौर पर मारपीट करने और धक्का दिए जाने के बाद 65 वर्षीय बुजुर्ग की लगेज कंपार्टमेंट में मौत हो गई। बताया जा रहा है यह घटना कल्याण और टिटवाला स्टेशन के बीच मध्य रेलवे मार्ग पर दोपहर को हुई थी। अन्य यात्रियों ने आरोपी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मृत व्यक्ति की पहचान मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व कर्मचारी बबन हांडे के रूप में हुई है। इस पूरे मामले में पीआई ढगे ने क्या बताया, हम आपको सुनाते हैं। यात्री बड़ी दिशा नाम है बबन विश्वनाथ हांडे है, रेस्टिंग दुकान कल्याण येथे आले होते। ते टिटवाळा लोकल ने परत जाण्यासाठी ज्यावेळेस गाडीमध्ये चढत होते लगेज डब्यात, त्यामध्ये आरोपी पण चढत होता आणि त्याच्यामध्ये चढण्यावरून त्यांचा पाय लागला असेल असा वाद झाला आणि बळी इस्माने आरोपी इस्माला शिव्या दिल्यामुळे त्यांना राग आला आणि रागाच्या भरात त्यांनी लाथाबुक्क्याने त्याला मारहाण करून त्याचा खून केला। कुठून अटक करण्यात आली? आरोपी इस्माला टिटवाळा स्टेशनवरून बोगीमधून ताब्यात घेतलेला आहे, जनरल बोगीमध्ये तो बसलेला होता, त्याच्या पायाला रक्त वगैरे लागलं होतं। प्रवाशाने तिथल्या स्टाफला सांगितल्यामुळे त्याला ताब्यात घेतलं आणि पुढील तपासामध्ये त्याचा सहभाग निष्पन्न झाला। जो आता आरोपी अटक केलाय त्याच्यावर यापूर्वी काही गुन्हे दाखल आहेत का? त्याच्यावर वाशिम पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल आहे मारामारीचा,